आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 4,492 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,282। वहीं उत्तराखंड में 2,16,529 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 73,172 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 110 मरीजों की हुई मौत। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सरकार की ओर से लगाई गई कर्फ्यू को सख्ती के साथ लागू करवाने के लिए पुलिस ने कल लक्सर नगर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च की अगुवाई प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर प्रदीप चौहान ने की। फ्लैग मार्च कोतवाली लक्सर से शुरू होकर नगर के अलग अलग चौक और बाजारों से होकर गाँव में भी किया गया। को देखते हुए एक साथ एक पैदल मार्च निकाल के लोगों को एक सेंस डेवलप करने का प्रयास किया कि कोरोना से सतर्क है, भीड़ न मचाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। लोग अभी भी इस बात को समझ नहीं रहे, इसलिए हम पुलिस वालों द्वारा एक पैदल मार्च निकाला गया और लोगों को जागरूक किया गया। और साथ में हमारे पास चेकिंग भी की जा रही है, जो लोग फालतू घूम रहे हैं उनके विरुद्ध हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। मसूरी MPG कॉलेज के आवासीय भवन में भारी व्यक्ति द्वारा कब्जा किए जाने और निर्माण करने को लेकर मसूरी MPG कॉलेज छात्र संघ में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर छात्र संघ के कार्यकर्ता छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार के नेतृत्व में मसूरी MPG कॉलेज के आवासीय भवन पर पहुंचे और बिना अनुमति के किए जा रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त किया और भवन के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया और अतिक्रमण कार्यों को बाहर किया। छात्र संघ द्वारा मसूरी MPG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पवार और देहरादून जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर तत्काल कॉलेज की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे और निर्माण को तत्काल हटाने की मांग की। देखिए, आज हमारे द्वारा हमारे MPG कॉलेज के प्राचार्य को व प्राचार्य जी के माध्यम से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें कि हमारे छात्रावास पर अवैध कब्जे की बात रखी गई है, जो कि आज हमने ताला लग बंद कर इसको बंद कर दिया है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य ना हो। और उनकी जितनी भी सामग्री हमने अपने कब्जे में ले ली है और हम चाहते हैं कि नगर पालिका, वैसे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि नगर पालिका के अनुमति से नहीं हो रहा है ये कार्य, यदि उनकी अनुमति से हो रहा है तो ये बहुत निंदनीय है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एक ले दे के हमारा एक ही MPG कॉलेज है, अगर वो भी अब कब्जे में आने लगा तो फिर कॉलेज की बचेगा कहाँ पर। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। चमोली जिले के कर्णप्रयाग तहसील परिसर के समीप तेजी से अवैध अतिक्रमण चल रहा है, पर प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर यहां पर अवैध अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें कानून का कोई भी डर नहीं है। वहीं प्रशासन के संज्ञान में मामला होने के बाद भी इस चुप्पी पर कई सवाल खड़े कर रही है। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर वैक्सीन की कमी नहीं है, क्योंकि जितनी कोविड की खपत है उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। हम कह सकते हैं कि 45 से छोटे लोगों में थोड़ा वैक्सीन की कमी आ रही है, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और जल्द ही उनको भी उपलब्ध हो जाएगी। वहीं हरक सिंह रावत के बयान पर उन्होंने कहा कि उनके बारे में क्या कह सकता हूं? अब कोरोना काल का समय ऐसा है कि जितना हम लोगों से हो रहा है हम लोग उतना संभव कोशिश कर रहे हैं। नहीं, टीके नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कमी थोड़ा हो रही है, क्योंकि उत्पादन जितना हो रहा है उस हिसाब से लगातार चल रहा है। 45 से छोटे लोगों को अभी फुल मात्रा में नहीं मिल पा रहा, ये हम कह सकते हैं। हमारे गोविंद सुनयाल में चल रहा है, डिग्री कॉलेज में चल रहा है, नैनीताल में चल रहा है, रामनगर में चल रहा है, सभी जगह चल रहा है, लेकिन कम मात्रा में। 45 से ऊपर भी चल ही रहा है, हमारे ऊंचापुर में ही देखो केंद्र चला हुआ, अभी चला हुआ है। जनपद चमोली के पोखरी में SDM वैभव गुप्ता ने व्यापार संघ पूर्ति निरीक्षक और समस्त फल विक्रेताओं की बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए फल और सब्जियों के दाम में भारी अनियमितता हुई, जिसकी आज रेट लिस्ट तय हो गई है। यदि कोई व्यापारी इससे अधिक मूल्य पर बेचते हुए पाया गया उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सभी ने अपनी सहमति जताई। कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि पोखरी क्षेत्र में कथित फल सब्जी विक्रेताओं द्वारा मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। इसी क्रम में आज पोखरी तहसील में पूर्ति निरीक्षक और मंडी सचिव के साथ समस्त फल विक्रेताओं के साथ बैठक हुई। इसमें समस्त फल विक्रेताओं, फल सब्जी विक्रेताओं की सहमति से न्यूनतम रेट के आधार पर एक रेंज हर फल सब्जी के लिए फिक्स कर दी गई है और सभी फल सब्जी विक्रेताओं को अपने अपनी दुकानों के बाहर रेट लिस्ट चस्पा करने के आदेश दे दिए गए हैं। समय समय पर प्रशासन द्वारा इसमें अभियान भी चलाया जाएगा और जो भी रेट
ऊपर के रेट लेगा उसके खिलाफ निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। सल्ट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष नारायण सिंह रावत के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी सल्ट के माध्यम से जिलाधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन देकर सल्ट के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग की। समिति ने सल्ट क्षेत्र में लोगों को मदद करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को भी फ्रंटलाइन वर्कर घोषित कर उन्हें वैक्सीनेशन कराने की बात कही। प्रदेश सहित जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कई संगठन विभिन्न तरह से मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी सैनिटाइजेशन का जिम्मा एबीवीपी जिला संयोजक देवेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में मंगलवार को हरगोविंद सुयाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में टीकाकरण के परिसर को सैनिटाइज किया गया। चमोली जिले के मोख क्षेत्र में लगातार जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, स्थानीय लोगों में भय को देखते हुए क्षेत्र घाट ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत संगठन अध्यक्ष शोभन नेगी ने ग्रामवासियों को जागरूक करते हुए ग्राम सभा मोलक मल्ला में ग्रामवासियों के सैंपलिंग की। बीते दिनों लगभग 496 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें कुंडी में मोख मल्ला में 7, बांसवाड़ा में 9, गुरमी में 13, मोख तल्ला में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिलाधिकारी द्वारा मोख तल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने थराली विकासखंड के गुलसारी में कोविड महामारी की रोकथाम को लेकर तहसील प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बागेश्वर से देहरादून की ओर प्रस्थान करते समय मंत्री चुफाल अपने तय कार्यक्रम के अनुसार थराली पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह और ब्लॉक प्रमुखों सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी कोविड महामारी को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा भी ली। रामनगर ग्राम सवालदे में एक कन्वेक्शन सेंटर बनाया गया है, जो लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसको पर्यटन विभाग द्वारा एक कन्वेक्शन सेंटर बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह लगभग 571.47 लाख की लागत से बनाया गया है। पिछले साल कोरोना काल के दौरान उसे क्वारंटाइन सेंटर बनाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा करीब 200 बेड से शुरुआत की गई थी, मगर आज कोविड-19 की महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, जिसको लेकर कन्वेंशन सेंटर को कोविड हॉस्पिटल बनाने की मांग लाखों लोग कर रहे हैं। वहीं शिशुपाल रावत प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर कन्वेंशन सेंटर को कोविड हॉस्पिटल बना दिया जाए लाखों लोगों को फायदा होगा। पौड़ी गढ़वाल के भेलडा छोटा गाँव में ग्रामीण लगातार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा कई बार शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी के चलते लक्सर के खानपुर ब्लॉक क्षेत्र में भी ब्लैक फंगस के एक मरीज की पुष्टि हुई है, जिसका ऋषिकेश के एम्स में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, अभी कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा नहीं मिला, अब ऐसे में ब्लैक फंगस नाम बीमारी भी तेजी से अपने पैर पसार रही है। मिर्जापुर गाँव है, विकासखंड खानपुर में, ये वहाँ से संबंधित मामला है। इनकी सूचना एक व्यक्ति, इनके परिजन ही हमारे पास वैक्सीन लगवाने आए थे, उनके द्वारा दी गई है। और इनका जो इलाज है वो एम्स में चल रहा है उनके परिजनों के अनुसार, और वह उनकी जो स्थिति है वो सामान्य है। उनका ऑपरेशन हुआ है और उनके द्वारा बताया गया कि आँख की रोशनी भी वापस आने की संभावना है। जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र हनोली जूनियर हाई स्कूल में कल स्वास्थ्य विभाग ने 37 लोगों की कोविड-19 का जांच का सैंपल लिया, जिसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने अपनी जांच करवाई। वायरल फीवर के चलते ग्रामीण डरे हुए हैं, जिसमें कम ही लोगों ने अपनी जांच करवाई, अधिकांश लोग घरों में ही रहे। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार, ये है मेरा उत्तराखंड।